सब्सक्राइब कीजिए काबूम टेक्स चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, इस वीडियो बताने वाला हूँ हम लोग जब मॉडिफायर में मॉडिफायर लिस्ट में जब जाते हैं इसके अंदर जो होता है लेटेस्ट, इसका यूज क्या होता है, इसका इस्तेमाल कहाँ पर कर सकते हो, इसका इस्तेमाल कैसे करना है। अगर आपको ये जानना है तो वीडियो देखते रहिए और सीखते रहिए। ओके, तो हम लोग चलते हैं मॉडिफायर में। मॉडिफायर के अंदर नीचे होता है मॉडिफायर लिस्ट, लिस्ट के अंदर जाते हैं हम लोग, इसके अंदर देखते हैं L4 लेटिस। लेटिस के ऊपर जैसे ही हम लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जो मैंने बॉक्स बनाया हो, बॉक्स को जो मैंने क्रिएट किया हो, वो चेंज होके इस तरह से दिखने लग जाता है। इधर पे आप देख सकते हो इस तरह से, जैसे कि एक तरह से जाली टाइप का बन जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर और भी चीज़ें होती है, इसके अंदर सेगमेंट्स होता है, इसका रेडियस होता है। अभी इसके अंदर और भी चीज़ बताऊँ तो जैसे कि मैंने बॉक्स के अंदर मैंने इसके सेगमेंट को अगर मैं बढ़ाता हूँ, कम ज़्यादा करता हूँ, जैसे सेगमेंट के मैं लेंथ सेगमेंट को अगर बढ़ाऊँ यहाँ से देखिए, तो लेंथ सेगमेंट के अंदर और भी ऐसे बनते जाएगा। जितना सेगमेंट रहेगा उतना उतना ये सेगमेंट के मुताबिक ही ये जाली बनती जाएगी, जाली बढ़ती जाएगी। अगर हाइट में भी मैं सेगमेंट बढ़ाता हूँ, ये देखें इधर पे भी ये बढ़ गया, ठीक है। तो अभी इसके अंदर और क्या चीज़ें हैं, तो अभी हम लोग आते हैं लेटेस्ट के अंदर। लेटेस्ट के अंदर अगर मैं इसको ये बटन बंद करूँगा, चालू हो, तो इधर देख सकते हो सेगमेंट्स, ओके। और ये देखो जितना सेगमेंट था उतने पे ही ये क्रिएट हुआ है, ठीक है। तो फिर अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग, इधर पे होता है नीचे स्ट्रूट। स्ट्रूट क्या होता है, अभी इसके अंदर हम लोग इसके रेडियस को बढ़ाते हैं। देखो रेडियस को हम लोग बढ़ाएंगे तो क्या होगा, जो बीच में की जो लाइंस है उसके रेडियस बढ़ रहे हैं, यानी कि उसका जो एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा लेनियर लग रहा है। अभी जीरो कर दिया मैंने और बढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है। ये है सेगमेंट, इसके बीच में का सेगमेंट जो होता है, मैं सेगमेंट अगर बढ़ाऊँगा देखो, ठीक है, सेगमेंट कम करूँगा, बढ़ाऊँगा उतना सेगमेंट बढ़ जाएगा। मैं 9 कर रहा हूँ तो 9, मैं अगर 4 कर रहा हो तो 4, यानी कि 1, 2, 3, 4, ठीक है, 4 सेगमेंट्स बन रहा है, ठीक है। तो अभी इसके अंदर साइड्स होती है, जो इसके अंदर ये है इसका साइड, इसके अंदर अभी 4 साइड है, 1, 2, फिर इसके नीचे 3, और ये रहा 4, ठीक है। तो अभी इसके साइड्स को अगर 4 है तो इसको मैं बढ़ाऊंगा, तो देखो ये स्मूथ होना स्टार्ट हो, जितने जितने ज़्यादा ज़्यादा मैं साइड्स को बढ़ाऊँगा उतना ज़्यादा ज़्यादा ये स्मूथ होना स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। सर्कल जैसा बन गया, अगर और भी अच्छे से करना है तो इसको कर दो 32, तो फुल स्मूथ हो जाएगा, ठीक है। तो अभी इसके अंदर अभी भी ये स्मूथ नहीं है, तो अभी आगे बताऊंगा मैं कि क्या चीज है। तो अभी ये तो पता चल गया आपको। फिर इधर पे हो आता है मटेरियल आईडी। मटेरियल आईडी के बारे में बताया था कि मटेरियल की जो आईडी होती है उसके हिसाब से वो ये वर्क करता है, ठीक है। यानी कि अगर मेरे को इसकी ये वाले ऑब्जेक्ट को मेरे को अलग कलर देना था तो उसके लिए मैं वो आईडी सेट कर सकता हूँ यहाँ पर। फिर उसके बाद आता है इंट कैप। इंट कैप तो वैसे तो कुछ दिख रहा नहीं यहाँ पर, अभी देखो इसको इग्नोर हिडन एजेस। जो एजेस होते हैं ये कॉर्न, जो हिडन एजेस होता है वो गायब हो जाएगा, ठीक है, ये एजेस की ज़रूरत नहीं है। इन कैप तो ऐसा कुछ तो मुझे दिख रहा नहीं है इन कैप। अभी इसके लिए सबसे पहले तो मुझे क्या करना होगा, सिर्फ इसको निकालते हैं, ठीक है। जो इन कैप यानी कि जो आप देख रहे हो इधर पे, देखो खाली है ये, अभी देखो फिल हो गया, ठीक है, अभी भर गया। अभी देखो ऐसे लग रहा था जैसे अंदर गैप है, मगर अभी इसके अंदर अभी गैप भर चुका है। तो फिर से दिखाता हूँ, ये देखिए, ठीक है, ये होता है इन कैप। अभी बोलोगे ये अभी स्मूथ नहीं है, स्मूथ को कैसे करना है, अभी स्मूथ को जैसे दबाऊंगा देखो स्मूथ हो जाएगा, डन, अब ये स्मूथ हो गया। फिर नीचे की तरफ चलते हैं, तो इसके लिए करते हैं बहुत इधर पे, ओके, ये ऊपर वाला वही है, यानी कि अगर मेरे को सिर्फ ये डॉटेड देखना है, या फिर मेरे को सिर्फ इसके ये सिर्फ लाइन्स को देखना है, या फिर मुझे दोनों साथ में चाहिए,
तो दोनों साथ में, ठीक है। और फिर इसके अंदर आता है नीचे जॉइंट्स, जॉइंट्स यानी कि जो जॉइंट्स है ये, तो ये जॉइंट्स को हम लोग चाहिए तो स्मूथ कर सकते हैं, या फिर इसके अलग अलग शेप्स हैं, ये देखिए टेट्रा, एक तरह का ट्रायंगल जैसा लग रहा है, ओक्टा इस तरह से, एक डायमंड जैसा लग रहा है, आइकोसा, और ये देखिए ये भी एक तरह का स्टोन जैसा लग रहा है, ठीक है। तो अभी इसके अंदर इसके रेडियस को हम लोग कम ज़्यादा कर सकते हैं, हम लोग चाहे तो इसको और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, इसको चाहे तो कम कर सकते हैं यहाँ से। इसके सेगमेंट्स भी हैं, इसमें सेगमेंट हम लोग बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ये स्मूथ होना स्टार्ट होगा, जितना सेगमेंट हम लोग बढ़ाएंगे ये स्मूथ होना स्टार्ट होगा, ठीक है। अभी देखो बोलोगे ये तो अभी भी स्मूथ नहीं है, तो स्मूथ के लिए स्मूथ कमांड को ऑन रखना होगा, ये देखिए ये भी स्मूथ हो जाएगा, ठीक है। ये बोलोगे इसका यूज कहाँ होता है, इसका यूज तो कहीं कहीं इस तरह के ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, जैसे डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट बनाना है या फिर इस तरह की कोई जाली बनानी है, ठीक है, इस तरह के कहीं पे पाइप्स बनाने हैं, ऐसे टाइप के पाइप, इस तरह के जॉइंट्स बनाने हैं, ठीक है, तो उस जगह पे यूज होते हैं। अगर इस तरह के कहीं फटाक से मुझे जॉइंट्स बनाने हैं, फटाफट क्रिएट करना है, इस तरह के छोटे से जॉइंट्स इधर पे हो, इधर इधर बीच में पाइप हो, तो ये सब चीज़ें क्रिएट करने में ये चीज़ काफ़ी आसान होती है, ये देखिए। नहीं तो क्या है कि आपको क्या करना होगा, अगर आपको ये मॉडिफाई मॉडलिंग करना होगा तो एक एक पाइप को कॉपी करो, पेस्ट करो, ये सब चीज़ें आपको करनी पड़ती, तब बाद में ये बन पाता, ठीक है। इस तरह से एक जेल जैसा बना सकते हो इसको, एक जेल अगर बनाना है, जेल क्रिएट करना है, ठीक है, तो एक जेल जैसा क्रिएट कर सकते हो। तो इसके अंदर मैं इसके जो सेगमेंट्स को अभी भी और भी बड़ा कम ज़्यादा कर सकता हूँ, अभी मेरे को सेगमेंट और भी ज़्यादा चाहिए, और मेरे को थोड़ा मोटा चाहिए अगर यहाँ से ऐसे, ठीक है, मुझे एक जेल जैसा क्रिएट करना है यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं इसके सेगमेंट्स को और भी बढ़ा देता हूँ, ये देखिए, तो इसको भी मैं इधर से सेगमेंट्स को बढ़ा देता हूँ, ओ सॉरी, ठीक है, ये देखिए एक तरह से जेल जैसा बन गया ये, ठीक है। इस तरह की अगर जाली आपको बनानी है तो आप इसके तरीके से फटाफट आप बना सकते हो, फटाफट क्रिएट करने के लिए काफ़ी आसान है ये, जाली क्रिएट करना है, इस तरह का जाली क्रिएट करना है तो काफ़ी आसान तरीका है ये, ठीक है, ये देखिए काफ़ी फटाक से और जल्दी से बन जाता है, ओके। फिर इसके अंदर चाहिए तो हम लोग अलग अलग कलर, क्योंकि हम लोग पास आईडी है तो मटेरियल की आईडी हम लोग को मिल जाती है, तो हम लोग इसके लिए मटेरियल कौन सा यूज़ कर सकते हैं, मैं इसको सबसे पहले तो शेडेड कर लेता हूँ अपना, ठीक है। तो फिर अभी इसके अंदर मैं मटेरियल कौन सा यूज़ कर सकता हूँ, अगर हम लोग को अलग अलग कलर करना है, जैसे कि सड़कों को अलग कलर करना है और ये लाइन्स को अलग कलर करना है, मुझे फटाफट करना है, तो उसके लिए हम लोग मटेरियल यूज़ कर सकते हैं, मल्टी सब ऑब्जेक्ट मटेरियल, तो मल्टी सब ऑब्जेक्ट मटेरियल को यूज़ करते हैं और ओके करते हैं, और ओके कि फिर दोनों को एक ही पहले कॉपी कर लेता हूँ मैंने मटेरियल, ठीक है। फिर फर्स्ट आईडी के अंदर मैं रखता हूँ ग्रीन कलर, ठीक है। फिर सेकंड आईडी में रखता हूँ मैं ब्लू कलर, ओके। फिर अभी मैं इसके अंदर देखो असाइन करूँगा तो आपको पता चलेगा कि क्या होता है, अभी ये दोनों कलर दोनों अलग अलग आईडी है तो अलग अलग फील हो जाएगा, ये देखिए, अभी ये कैसे हुआ तो आपको बताता हूँ। इसके मॉडिफाई में जब हम लोग जाएंगे तो इसके अंदर देखो नंबर वन आईडी, यानी कि इसके अंदर आईडी नंबर वन पे ग्रीन है, यानी कि जो स्ट्रक्स है, ठीक है, स्ट्रक्स है उसका जो आईडी है नंबर वन है, यानी कि जो ये लाइंस है
उसका आईडी है 1, जो इसके अंदर बीच का जो है जॉइंट, जो जॉइंट है, जो ये है जॉइंट, उसका आईडी नंबर है 2। तो जॉइंट को मैंने ब्लू कलर दिया, इसको दिया नंबर 1। इसको हम लोग स्वाइप भी कर सकते हैं, अगर मेरे को चाहिए इसको ग्रीन और इसको चाहिए मुझे ब्लू, तो मैं इसको करता हूँ स्वाइप मूव करके। ये देखिए अभी उल्टा हो गया, ठीक है। इस तरह से ये जो लेटिस है यूज होता है, इसको आप अलग अलग जगह पे यूज कर सकते हैं। इस तरह से डिजाइन वाले कुछ बनाने हैं आपको डिजाइन, तो उस जगह पे आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए ताकि इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए। इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए ताकि वो भी जान सके कि ये लेटेस्ट कमांड कैसे यूज होता है और कहाँ पर यूज कर सकते हैं, इसके अंदर इसके मटेरियल अप्लाई करने का तरीका क्या है। इस तरह की और भी वीडियो देखना चाहते हैं आप लोग तो फिर मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाजू के बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।